नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में देखते हैं एक और अपराध से जुड़ी खबर को। बमीठा थाना पुलिस ने 5 लोगों को अवैध असलाहे सहित गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि 5 युवक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए कट्टों के साथ एकजुट हुए थे, जिसकी खबर लगते ही पुलिस ने उन्हें जाल बिछाकर गिरफ्तार कर लिया। इस कार्यवाही में एसडीओपी इसरार मंसूरी और TIKK खनेजा की भूमिका रही। हालांकि पकड़े गए आरोपियों के पास कट्टे कहां से आए, ये अभी जांच का विषय है, क्योंकि बक्सवाहा में पत्रकार बलभद्र राय के विरुद्ध हुई कार्यवाही के बाद कट्टों की जब्ती को लेकर भी पुलिस सवालों के घेरे में है और पुलिस पर इन कट्टों की जब्ती के फर्जी मामलों की बातें भी सामने आ रही। बहरहाल पुलिस ने आरोपी नंदलाल पुत्र शंकरलाल पटेल उम्र 25 वर्ष निवासी झमटुली थाना बमीठा, अमरजीत पुत्र श्रीराम शर्मा उम्र 20 वर्ष निवासी देवगांव, मनोज पुत्र मंगलदीन पटेल उम्र 18 वर्ष निवासी डबरी, वीरेंद्र पुत्र गोपाल पटेल उम्र 18 वर्ष निवासी डबरी एवं नरवत पुत्र दयाराम पटेल उम्र 18 वर्ष निवासी डबरी को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर जुए को लूटने और फायरिंग करने के भी आरोप बताए गए हैं। एक आरोपी ब्रजेश तिवारी को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जिसका नाम भी जुए के फड़ के लिए सामने आता रहा है। ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, एडिशनल साहब और एसडीपी साहब के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की गई। आज पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि 4-5 लोग कट्टा लिए हुए खड़े थे। सूचना पर से पहुंचे तो 2 व्यक्ति जो कट्टा लिए हमको चौरसिया ढाबे के पास नंदलाल और अमरजीत मिले। बाद में पुलिस वहाँ गढ़ा तेगड्ढा पे गई तो वहाँ मनोज और बीरेन और नगत और हल्के पटेल ये लोग कट्टा लिए मिले, जो अवैध रूप से किसी वारदात करने के इरादे से कहीं जा रहे थे। इस सूचना के आधार पर इनको पड़ा। इनसे 5 कट्टे, 4 माओवादी के, 315 बोर के और 1-12 बोर का कट्टा कारतूस बरामद किए गए हैं। इनके विरुद्ध 25-27 शाम तक की कार्रवाई की गई है। ये खजुराहो की भी घटना में भी शामिल हैं, जो यसनार में घटना हुई थी और इन्होंने कोई गड़ी मलेरा में भी वारदात करी थी। इनके विरुद्ध वहाँ की पुलिस कार्रवाई करेगी। इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होते हैं अगली खबर के साथ। अगर किसी को भी 2 हफ्तों से अधिक खांसी हो, बलगम में खून आता हो, सांस लेने में तकलीफ हो, लगातार बुखार हो या फिर वजन लगातार कम हो रहा हो, अगर इनमें से कोई भी तकलीफ है तो तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपने बलगम की जांच कराएं। टीबी की जांच और इलाज पूर्णतः मुफ्त है। अक्षय परियोजना VI छतरपुर के सौजन्य और जिला अक्षय केंद्र छतरपुर के सहयोग से प्रसारित। मौका शादी विवाह का हो या फिर बर्थडे पार्टी का, या फिर हो कोई खास इंतजाम, शंकर कैटर्स आपको देते हैं आपके खूबसूरत माहौल में लजीज व्यंजनों की बहार। हम देते हैं आपको पंजाबी, चाइनीज, साउथ इंडियन, मालवाड़ी, गुजराती, महाराष्ट्रियन और राजस्थान के स्वादिष्ट व्यंजन। शंकर कैटर्स आपको देता है एक स्थान पर संपूर्ण सुविधा सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ। हम सुविधा देते हैं आपको प्लेट सिस्टम अथवा ऑर्डर पर। बेहतर सर्विस, दिल को छू लेने वाले स्वाद से खुश कीजिए अपने मेहमानों को। किसी भी फंक्शन के लिए बुकिंग हेतु संपर्क करें शंकर कैटर्स पार्टी